किसी से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी। पर इसमें से एक सूट है जो मैं नहीं दिखाऊंगी, इसके पूरा वर्क है। इतना बर्न हो रही हूँ मैं यार, छी। पीछे इसके लटकन नहीं है पर इसके ये है। हाँ, गिव अवे कर दूंगी। भीग हेयर बहुत ज्यादा है, मैं शाकाल तो नहीं लग रही। स्टे हाइड्रेटेड गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कीर्ति मेहरा एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद अनदर वीडियो। आज की हमारी जो वीडियो है काफी ज्यादा स्पेशल है और ये लड़कियों के लिए ज्यादा है, लड़कों के लिए कम है। पर अगर आप अपनी मम्मी, बहन, गर्लफ्रेंड, वाइफ, किसी से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी थोड़ी बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। आज हम बनाने वाले हैं सूट हॉल की वीडियो। मतलब मेरे जितने भी कुर्ती कलेक्शन है या मेरे जितने भी सूट कलेक्शन है वो सब तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे पास बहुत बहुत सारे हैं, तो मैं सारे नहीं दिखा सकती। पर हाँ, अभी जो मैं लेटेस्ट जो मेरे पास आए हैं बिल्कुल एकदम नए नए, तो वो सारी कुर्तीज मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। हमारा फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो सबको हैप्पी फेस्टिवल सीजन, अच्छे अच्छे से मनाओ, खूब खाओ पियो बढ़िया। एंड बिना देरी करते हुए मैं अपने पहले तो सारे सूट लेके आती हूँ, दिखाती। तो ये मैं अपने सारे सूट लेके आ चुकी हूँ। इनमें से अभी तक आपने शायद दो देखे हुए हैं और अगर मैंने इंस्टा पे रील डाल दी होगी तो एक और देखा हुआ है और एक और देखा हुआ है। वैसे मुझे नहीं पता मैं कितनी रीलें डाल चुकी हूँ पर सब कुछ देखा हुआ है। इसमें से दो ब्लैक हैं, दो पर्पल हैं, एक येलो है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है। तो ये सारे मैं पहन के दिखाती हूँ। अभी रेडी नहीं होंगी, सिर्फ पहन पहन के दिखाऊंगी। पर इसमें से एक सूट है जो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो आपको एक स्पेशल ओकेजन पे देखने को मिलेगा, तो ऐसे ऐसे हल्का हल्का चुपके चुपके दिखा दूंगी। पर बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सूट से। गाइस, इसका पजामा भी ढीला हो गया। मतलब ये मेरा पुराना सूट है जो मैंने आपने देखा हुआ है एक रील में, और इसमें यहाँ पे ऐसे पूरा वर्क है। पहले बाल बांध लूं, इसके पूरा वर्क है, इधर बाजू पे भी है और यहाँ पे, यहाँ से ये इसमें एक कट है, फिर ये नीचे एक और है ऐसे इधर यहाँ पे लगा हुआ है। अभी प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि एंगल ऐसा सेट है, थोड़ा सिनेमैटिक भी दिखा दूंगी। फेस्टिवल सीजन में वैसे ब्लैक कलर नहीं पहनते हैं पर आप, ओए ब्लर हो रहा है, हाँ पर आप पहन सकते हो अगर आपको कभी और पहनना हो। लिंक मैं ढूंढ ढूंढ के दे दूंगी, चलो इस बार दे देती हूँ। मेरे को खुशी हो रही है ये सूट ढीला हो गया। पहले यहाँ से ऐसे गोलगप्पा बनी हुई थी, मैं इधर से भी का प्राइस मुझे याद नहीं है कि कितने का है, पर हाँ इसका जो लिंक है वो आप देख सकते हो। अभी मुझे नहीं पता महंगा हो गया या सस्ता हो गया, तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे सूटों के लिंक डाल दूंगी तो आप देख लेना। ये था हमारा फर्स्ट सूट जो आप देख चुके हो। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड सूट पहनने, फटाफट से 3 2 1। तो गाइस ये है हमारा सेकंड सूट और ये मतलब इसमें तो दुपट्टा भी है, मैं अभी दिखाती हूँ। और इसमें पीछे जो सबसे अच्छा है वो है इसकी डोरी, ये डोरी खुली हुई, डोरी पता नहीं सही से बंधी है कि नहीं बंधी पर बन गई मेरे हिसाब से। अब मम्मी है नहीं जवान दे। और इसका फ्रंट भी बहुत प्यारा है। सबसे प्यारा जो है वो है इसका दुपट्टा, इसमें यहाँ पे ऐसे ये वर्क वगैरह हो रखा है और बहुत मिनिमल डिजाइन होते हैं। वो जो बहुत ज्यादा प्रिंटेड होते हैं वो मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। कभी कभी पहन लूं तो अलग बात है, पर अगर ऐसे सूटों का ऐसे देखूं कि मैं मेरा टाइप क्या है तो वो ये है, सॉलिड कलर। और ये तो नीचे इसकी पैंट्स भी है और नीचे इसका जो ये घेर है ये भी बहुत ही तो ये था मेरा सेकंड सूट, इसको आप मतलब ऐसे नॉर्मल घर के फंक्शंस वगैरह में भी पहन सकते हो, जैसे एंगेजमेंट हो गया, कुछ हो गया, अगर हैवी ज्वेलरी के साथ पहन रहे हो। और अगर आप हैवी ज्वेलरी के साथ नहीं पहन सकते तो आप फेस्टिवल्स वगैरह में भी पहन सकते हो, जैसे भाई दूज, दिवाली या रक्षाबंधन या किसी के घर में ऐसे छोटे मोटे फंक्शन में जाना। अब बारी आती है हमारे सूट नंबर 3 की, तो मैं जल्दी से जाती हूँ और फटाफट से पहन के आती हूँ। सो गाइस ये है हमारा सूट नंबर 3, इसमें बहुत 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 ज्यादा घेर है और ये बहुत मतलब स्टफ वाइज बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कॉटन है। जैसे पहले वाला था वो थोड़ा सिल्की सिल्की टाइप था, तो ये जो है ये प्रॉपर प्योर कॉटन है और इसमें घेर इतना है।
चिकन नहीं है पर इसके ये है और ये भी थोड़ा अच्छा लगता है और इसकी स्लीव्स ये मेरे को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मेरे लिए, सबके लिए नहीं, कि ये आगे से इसका नेक बहुत ज्यादा डीप है तो मैं डीप नेक नहीं पहन पाती। मैं डीप बैक पहन लेती हूँ पर डीप नेक मेरे से नहीं हो पाता। कह रही जो लोग कर पाते हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग नहीं कर पाते वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये सूट मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है कलर वाइज भी और सब चीजों में, पर इसका जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो सिर्फ ये नेक है। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हो, और अगर आप नहीं हो तो आप इसको थोड़ा यहाँ से वो करवाना, क्या कहते हैं, सिलाई करवा देना। मैं नहीं करवा सकती क्योंकि यहाँ से मेरे शोल्डर बिल्कुल फिटेड है। पर इसकी जो सबसे अच्छी बात है, जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ये चुन्नटो वाली जो स्लीव होती है ना, ऐसे सूट मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। अभी हम बिना देरी करते हुए, क्योंकि इस सूट में मैं थोड़ी अब अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, ऐसे में पकड़ के पूरी वीडियो नहीं बनाना चाहती, तो बिना देरी करते हुए मैं अपने सूट नंबर 1, 2, 3, 4 पे जाती हूँ। सो 3, 2, 1, 4। तो ये है हमारा सूट नंबर 4। ये मेरा सूट काफी लोगों ने देखा होगा क्योंकि पिछले साल इसको मैंने पहना है। तो इसमें भी घेर बहुत ज्यादा और कॉटन है, पर इसमें दुपट्टा नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल कैजुअल वियर के लिए। अगर आप इसे हैवी ज्वेलरी कैरी करके पहन सकते हो तो पहन सकते हो। मैंने इसको नॉर्मली पहना था। इसमें ये जो वर्क है ये बहुत प्यारा है। हाँ, इसका वी नेक है और यही वर्क इसके यहाँ पे लास्ट में है, मतलब नीचे एकदम ऐसे करके। की सबसे खास बात है इसकी पैंट और इसकी ये वाला जो इसका डिजाइन। वैसे अगर आप लोगों को कोई भी सूट कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है, कुछ ज्यादा ही, और अगर आपको वो महंगा लगता है और आपका मन कर रहा है कि नहीं ये वाला तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मैं उसका गिव अवे करने को रेडी, क्या कहते हैं, हाँ, गिव अवे कर दूंगी। तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ मुझे ये चाहिए 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 चाहिए, और तो मैं कुछ कुछ ऐसे सिलेक्ट करके दे दूंगी, क्योंकि मैं सूट एक ही बार पहनती हूँ। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये फिर भी थोड़े बहुत कम है, पर मेरे पास इतने बड़े बड़े, इतने कैसे दिखाऊं, कितने इतने इतने बड़े बड़े मेरे पास सूट के हैं जिसमें मेरे सिर्फ सूट भरे पड़े और मैंने वो दोबारा नहीं पहने। तो अगर किसी को चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। और अभी हम चलते हैं अपने सूट नंबर 5 पे। सो 3, 2, 1, 5। तारा! तो ये है हमारा सूट नंबर 5 जो कि है बिल्कुल ब्लैक, और ये भी थोड़ा फ्रॉक टाइप में है। इसका भी घेर बहुत ज्यादा है, इसमें शाकाल तो नहीं लगी। इसका घेर जो पर्पल वाला है उससे भी बहुत बहुत ही ज्यादा है। बैक पे ऐसा कुछ डिजाइन नहीं है, सिर्फ ऐसे फ्रंट पे है। और यहाँ पे इसके ये सही से बंद, इसमें मेरे को चाहिए कि एक ऊपर हो और एक थोड़ा सा नीचे हो। जा नीचे जा, दिख रही है, फ्रेम नहीं आ रहा सही, अभी दिखाती हूँ। ये जेन्युइनली सूट मैंने पहले नहीं पहना है, ये अभी मैंने फर्स्ट टाइम किया है। और जल्दीबाजी में यहाँ पे इसके जो जिप है मैंने ऐसे ही बिना खोले उसको पहन लिया और थोड़ा सा जिप मैंने कर दिया, काम खराब इसका। ठीक है, इट्स नाइस। चुन्नी पे यहाँ पे ये है, छोटे छोटे पॉन्चोस जो भी कहते हैं इनको। अगर मैं इसके दुपट्टा इस साइड रखती हूँ तो मेरे ये छुप जाएंगे, इस साइड कैरी करना आता नहीं है, बड़ी मुश्किल में कर पाती हूँ मैं। पर ठीक है, अब सही है कि चुन्नी पे भी ऐसे थोड़ी थोड़ी दिख रहा होगा। फेस्टिवल सीजन में हमारे में ब्लैक नहीं पहनते, जिनके में पहन सकते हैं उनके लिए ऑप्शन भी है, अच्छा है। ये भी प्रॉपर कॉटन का है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो अगर आपको खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो, अगर आपको गिव अवे में चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। अब हम जा रहे हैं अपने 5th या 6th, पता नहीं कौन सा सूट है। ये बिंदी बिंदी मैंने अभी थोड़ी सी लगा ली है क्योंकि इसी सूट में मैंने एक रील शूट करी है, वो आपको इंस्टा पे देखने को मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी जाके देख लो। ये है हमारा पता नहीं कौन सा नंबर का सूट, ये मैं भूल चुकी हूँ। इसमें ये दुपट्टा है, सूट बहुत प्यारा है। अगर आप किसी हल्दी फंक्शन पे या फिर ऐसे नॉर्मल सी ज्यादा खास के फंक्शन में नहीं जा रहे हो, मैं खुद को देखे जा रही हूँ, लेंस में नहीं देख रही। इसी के मैचिंग की मैंने अभी एक बॉटल ली है। मैं हर बार सोचती हूँ नई नई बॉटल्स लेके कि मैं पानी पीना शुरू करूंगी, फिर मैं नहीं पीती और ये सारी खो जाती हूँ।
हाइड्रेटेड गाइस, मैं नहीं रहती हूँ पर आप लोग रहो। इतना हैवी दुपट्टा भी नहीं है, मतलब बहुत छोटा सा पतला सा ऐसा है। मैं उल्टा ले लिया। स्लीव्स यहाँ से ऐसी हैं जो कि इनको प्यार लगा इसमें, क्योंकि जैसे मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। स्लीव नेक से ऐसे लूंगी और बिना देरी करते हुए इसको फटाफट से चेंज करके अपने एक और सूट की तरफ चल। ये है हमारा 7th नंबर का सूट जो कि मेहंदी फंक्शन के लिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। इसका ये यहाँ पे डिजाइन बहुत ही मिनिमल है, इस फ्रेम में आपको दिख नहीं रहा है पर हाँ इसका फ्रेम कह रही, इसका घेर बहुत ज्यादा है और बहुत प्यारा है। पर ये थोड़ा उसके कपड़े में है जो दुपट्टे के कपड़े होते हैं ना, वैसे वाले कपड़े में है, उसका नाम मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। और इसकी यहाँ पे फुल स्लीव है, इस फ्रेम में आपको दिख नहीं रहा है पर हाँ इसका फ्रेम कह रही, इसका घेर बहुत ज्यादा है और बहुत प्यारा है। पर ये थोड़ा उसके कपड़े में है जो दुपट्टे के कपड़े होते हैं ना, वैसे वाले कपड़े में है, उसका नाम मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। और इसकी यहाँ पे फुल स्लीव्स है जो नेक की है, और यहाँ पे ये ऐसे हुक है, इनको आप ऐसे टक कर सकते हो, तो ऐसी चुन्नटों वाली बाजू आपको पता है। पर ये आगे से थोड़ा फिर से डीप है, तो इसकी मैं फटाफट से चुन्नी दिखा देती हूँ। हल्का सा इसमें वेट है इनकी वजह से, यहाँ पे बस एक बटन है तो पीछे ऐसा कुछ खास नहीं है, और नीचे ऐसी ही मेहंदी ही कलर की पैंट्स। आप ये लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप मेरे से मेरा ही सूट लेना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट में आपको बताना। वाई 8th पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हल्की सी स्नीक, आपको कलर दिखा रही हूँ, ये कलर है। और ये वाला सूट मैं इसलिए पहन के नहीं दिखा रही क्योंकि ये वाला सूट मैं पहनने वाली हूँ दिवाली पे, और ये थोड़ा ना तो फ्रॉक टाइप में है ना वैसे है, पर ये है बहुत सुंदर। तो इस वाले सूट को देखने के लिए आप दिवाली तक का वेट करना। जितने भी सूट थे वो मैंने अभी दिखा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जाके देख लेना। इंस्टाग्राम पे सारे सूट वगैरह की रील मैं डालूंगी तो वो भी जाके देख लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड आई लव यू गाइस, डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू कीर्ति मेहरा, 7 लाख होने वाले हैं, जल्दी जल्दी करवा दो ताकि हमारी नेक्स्ट Q&A वीडियो आ सके। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपको जो पसंद आया वो अलग है, पर आपको जो मेरे पे अच्छा लगा सबसे ज्यादा वो कौन सा सूट था, तो कॉमेंट बॉक्स आपका है, जाके भर दो कॉमेंट्स। एंड आई लव यू गाइस, थक गई।